हेलो गाइस, वेलकम टू शर्मा जी एजुकेशन। आज हम अपने उसी सीरीज का एक नया नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, गेटरमैन रिएक्शन। तो इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इस रिएक्शन को हम गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इससे एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस बारे में आप याद रखना कि इस रिएक्शन को आप क्या कह सकते हैं, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक। अब इसमें होता क्या है, देखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड को हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेटेड करते हैं किससे, हाइड्रोजन साइनाइड से, ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड से फॉर्मुलेटेड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिडल क्राफ्ट कैटलिस्ट। तो फ्रिडल क्राफ्ट कैटलिस्ट क्या होता है, AlCl3। और फ्रिडल क्राफ्ट कैटलिस्ट यानी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है एक नेम रिएक्शन, उसको हम पढ़ेंगे अभी अपने नेक्स्ट एडिशन में। नेक्स्ट वीडियो में आप उसका देखेंगे कि कैसे फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है। तो फिलहाल हमें इस रिएक्शन में ये याद रखना है कि फ्रिडल क्राफ्ट कैटलिस्ट होता है, AlCl3 होता है, और भी होते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मुलेशन की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहेंगे, गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो दो रिएक्शन आपको मिलेंगी 12th में, एक गेटरमैन मिलेगी, एक गेटरमैन कोश रिएक्शन मिलेगी। फिलहाल हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो गेटरमैन रिएक्शन है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, पूरा जो पूरा मैकेनिज्म है वो लगभग लगभग सैंडमेयर रिएक्शन की तरह है। इसमें प्रोडक्ट भी सैंडमेयर रिएक्शन की ही तरह बनेगा, ठीक है। तो हमें ये दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है। अब होगा क्या है? इसमें ध्यान से देखिए कि सैंडमेयर रिएक्शन में हमने लास्ट में क्या यूज किया था, अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो लास्ट में हमने क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड यूज किया था, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस रिएक्शन में उसकी जगह पे क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस क्लोराइड की जगह कॉपर पाउडर यूज करेंगे विद हेलिक एसिड, यानी कोई भी क्लोरिक एसिड भी, मतलब हाइड्रोजन क्लोर HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, कोई भी एसिड हो सकता है हेलोजन का, ठीक है। उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, कॉपर पाउडर को। तो रिएक्शन लगभग वही बनेगी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रोडक्ट भी हमारा वही बनेगा। बस ये है कि हम इसमें साइनेट नहीं बना सकते, सैंडमेयर रिएक्शन में हम साइनेट बना सकते हैं, ठीक है। साइनोबेंजीन बना सकते हैं, इसमें नहीं बना सकते। तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कि इसमें हम कॉपर पाउडर के साथ HCl या HBr लेंगे। तो HCl लेंगे तो हमारा क्लोरोबेंजीन बनेगा, HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसकी रिएक्शन के बारे में अगर आप देखना चाहो तो देख लो मैकेनिज्म इसका, बिल्कुल लास्ट जो हमने अभी पढ़ी थी इससे पहले सैंडमेयर रिएक्शन, मैकेनिज्म वही रहेगा। डायजोनियम सॉल्ट बनाने का मैकेनिज्म वहीं तक है। डायजोनियम सॉल्ट देखो, एनिलीन था हमारे पास, एनिलीन को हमने डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट किया, तो यहां से यहां तक तो आए, डायजोनियम सॉल्ट बनाया। तो ये प्रोसेस बिल्कुल सैंडमेयर रिएक्शन की तरह है। तो अगर आपको मैकेनिज्म समझनी है तो सैंडमेयर रिएक्शन वाला वीडियो देखिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, या ऊपर आई नोटेशन में आ रहा होगा, ठीक है। तो सैंडमेयर रिएक्शन में आप देख लोगे कि इसमें डायजोनियम सॉल्ट हमने कैसे बनाया। उसके बाद का जो स्टेप है वो चेंज है, उसमें क्या था कि क्यूप्रस हैलाइड था, ठीक है। यहाँ पे हम कॉपर पाउडर अलग से यूज कर रहे हैं और उसके साथ में कोई हम एसिड यूज करते हैं, ठीक है। तो जो एसिड हम यूज करेंगे उसी का जो हमारा क्लोरीन होगा, तो क्लोरीन यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो दो रिएक्शन मेरे को यहाँ से समझ में आ गई, ठीक है। तो अब आप इसमें आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि गेटरमैन जो रिएक्शन है वो लगभग सैंडमेयर रिएक्शन की तरह है। बस उसमें क्या ध्यान रखना है हमें कि सैंडमेयर रिएक्शन में हम हैलाइड को क्यूप्रस हैलाइड यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कॉपर पाउडर यूज करेंगे विद अ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या विद द एसिड, एसिड किसी भी हेलिक एसिड के साथ हम कॉपर पाउडर का यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट हमारा सेम ही मिलेगा, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। अगर क्लोरीन HCl यूज करेंगे तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन HBr यूज करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो ये रिएक्शन आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अगली रिएक्शन के साथ हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, बने रहिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को तक पहुंचाइए। और जो बोर्ड वाले बच्चे हैं 12th वाले, तो उन तक ये पहुंचाइए क्योंकि उनके बोर्ड में ये रिएक्शंस जरूर आती हैं। अगले हम सेक्शन में कन्वर्जेंस भी डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और जो घंटी वाला आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा, आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो उसको जरूर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।